हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिल्पा सिलाई सेंटर। इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर साइड पैनल वाला झोला सीना चाहते हैं, ऐसा झोला आप देख सकते हैं कि अंदर कितना खुला खुला है। बहुत सारा सामान इसमें आएगा, बहुत ही बड़ा झोला है और पूरा मजबूत झोला है। ऐसा मजबूती झोला आपने कभी नहीं देखा होगा। और ये हमने साइड पैनल वाला झोला सीकर दिखाया है, तो इसको सीने के लिए देख सकते हैं कि एक खाद की बोरी हमने ली है, जिसका बैक साइड हम थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे इसकी। और इसके बाद हम आगे से भी इस पे, आप देख सकते हैं कि ये खुला हो चुका है बैक साइड से। अब इसको हम 20 इंची पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 20 इंची पे हम इसको कटिंग करेंगे। 20 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग करेंगे, क्योंकि फोल्ड करना होगा किनारा। तो यहाँ हम दोनों तरफ हमारा ये ज्वाइंट है और दो तरफ खुला है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए चौड़ाई हमारा 22 इंच है, तो इसमें से हम थोड़ा सा एक तरफ से मुंह खुला कर लेंगे कटिंग करके। अब इसको हम अलग कर देते हैं। अब हमने जो बोरा का अगला हिस्सा काटा था, जो बचा था, उसमें से हम 6 इंची का एक पट्टी काटेंगे, यानी ये डबल पट्टी हो जाएगा मेरा। तो इस पर हम निशान लगा के इसको भी कटिंग कर लेते हैं। ये हो गया साइड पैनल, यानी साइड में इसको ज्वाइंट होगा। ये दोनों तरफ से हम किनारा काट देंगे इसका। अब इसमें से बचा, तो इसमें से लगभग हम 2 इंची का पट्टी कटेंगे हैंडल के लिए। ये पट्टी हम कम से कम 4 पट्टी कटेंगे इसमें, और इस सब पट्टी को हम एक किनारा करके सीधा सीधा कर लेंगे ऐसे कटिंग करके। 4 पट्टी हमने काट लिया, और ये हो गया साइड पैनल हमारा, और ये हो गया मेन झोला, जो एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद है, यानी 3 तरफ से खुला है एक तरफ से ज्वाइंट है। चलिए अब इसको सिलाई करते हैं। सबसे पहले हम पट्टी को सिलाई कर लेते हैं। इसको फोल्ड करने के लिए किनारे पे आधा से आधा फोल्ड करें, दूसरे किनारे पे भी इतना ही फोल्ड करें, और फिर उसको आधा बिल्कुल किनारे मिलाकर इसको सिलाई कर दें। चलिए सिलाई कर लेते हैं। हमने ये सिलाई कर लिया है, तो अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे टांगना लगाना है, यानी हैंडल लगाना है झोले का। ये पूरे झोले में हम लगाएंगे, तभी मजबूत होगा, अंदर से खुला है। तो इसको हम निशान लगा लेते हैं कि हैंडल हमारा कहाँ आएगा। तो ये 20 इंची का है, तो हम 10 इंची पे सेंटर इसका रखते हैं, और इसके 2 इंच आगे और 2 इंच इधर हम निशान लगा देंगे, उसी पे हमारा हैंडल आएगा। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। तो हमने ये निशान लगा दिया, यहाँ पे हमारा हैंडल आएगा, और हम दोनों किनारे पे लगाते हैं। नीचे वाले किनारे पे भी हम लगा देते हैं, ताकि एक ही बार में काम हो जाएगा, और ऊपर वाले किनारे पे भी लग गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हम जहाँ हमारा झोला जो सीधा होगा उसी पे हैंडल लगाएंगे सीधे की तरफ। तो हम यहाँ से, यानी कि किनारा हम थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि फोल्ड करना होगा, और उसको छोड़कर कम से कम 1 से 1.5 इंची छोड़ दें, और उसके बाद इसको पट्टी को रख के इस पे हम सिलाई चलाएंगे। और पीछे वाला किनारा हम जो निशान लगाए थे उसको भी साथ में रखकर हम सीधा बिल्कुल निशान इसका पट्टी लगा सकते हैं। जो हम पीछे निशान लगाए थे उस पर हम पट्टी रखेंगे ऐसे, तो हमारा सीधा होता चला जाएगा। और इसको पकड़ के यहाँ पे आ रहा है, इसको सिलाई कर देंगे। और यहाँ पे भी पीछे भी हम इसको थोड़ा सा किनारा छोड़ेंगे 1 से 1.5 इंची, जितना उधर छोड़े हैं उतना ही इधर भी छोड़ेंगे, और इसको हम डबल सिलाई चला देते हैं।
एक तरफ का हो गया। अब इस हैंडल को हम इसको जितना आप चाहते हैं हैंडल रखने के लिए उतना आप रख सकते हैं, 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची, जितना आप रखना चाहते हैं हाथ से पकड़कर देख लीजिए हमारा कितना अच्छा लगता है पकड़ने में, उतना ही हैंडल रखिए। और हम दूसरे किनारे पे इसको सिलाई करेंगे जहाँ निशान लगाए थे, इसको भी हम उसी तरह सिलाई करेंगे। हैंडल छोटा हो गया था तो इसको हम हैंडल के नीचे ये दूसरा हैंडल रख के इस पर हम सिलाई चला देंगे, जहाँ ज्वाइंट होगा वहाँ अच्छी तरह सिलाई चलाएंगे। अब नीचे वाला पर्सन हमारा सिलाई हो चुका है, अब ऊपर वाला पर्सन सिलाई करने के लिए दोनों परत हम एक ऊपर रखेंगे और हैंडल को सेम टू सेम करके बराबर करके अब इसको हम यहीं पे दूसरे हैंडल के साथ ज्वाइंट करेंगे। यहाँ तक हमारा सिलाई हो चुका है हैंडल, तो इसमें से हम बड़ा हो रहा है तो इसको थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे यहाँ तक हमारा ज्वाइंट हो जाए। अब इसको सिलाई चला देते हैं। ये हो चुका है, देख सकते हैं कि हैंडल हमारा लग चुका है। इस तरह हैंडल लगाना अच्छा रहता है, अगर हम साइड में पहले पैनल लगा देते हैं तो हैंडल लगाना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए पहले हम हैंडल लगा लेते हैं। अब इसके हम साइड पैनल लगाएंगे, तो साइड पैनल लगाने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं कि हम इसको उल्टा कर लेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई जो होगा वो अंदर की तरफ रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऊपर ही रहे सिलाई तो सीधा ही सिलाई कर सकते हैं, उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको किनारा किनारा बिल्कुल साफ सुथरा मिला देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब जो हमने साइड पैनल काटा था इसका देखिए, इसको लंबाई में हम डबल फोल्ड करेंगे, इसको यह लंबाई में डबल फोल्ड हो गया। अब इसको हम नीचे की तरफ से झोले के नीचे की तरफ से मापेंगे कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि नीचे भी साइड पैनल हमारा रहेगा इसलिए उसको भी छोड़ना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये माप दिए, इतना ये जो लिफाफा लगा है यहाँ तक ये साइड पैनल आएगा। तो यहाँ से और झोले के ऊपर तक जितना आ रहा है उतना हम साइड पैनल काट लेंगे। चलिए इसको हम भी काट लेते हैं। यहाँ से रखेंगे और जहाँ हमारा लिफाफे के पास निशान आ रहा था वहाँ तक हम अपना साइड पैनल कटिंग कर लेते हैं, यहाँ तक हमारा साइड पैनल आ जाएगा। अब साइड पैनल सिलाई करने के लिए ऐसे साइड पैनल को रखेंगे किनारे से, अब इसको हम इस पर सिलाई चलाएंगे। और यहाँ पे आ रहा है साइड पैनल हमारा नीचे वाला पर्सन, इसको ऐसे घुमाकर इसके चौड़ाई वाले पर्सन पे इसको ज्वाइंट कर देंगे यानी सिलाई कर देंगे। जहाँ हमारा कोना आ रहा है वहाँ पर हल्का सा सिलाई की तरफ से गोला कर देंगे, हल्का सा गोलाई दे देंगे सिलाई पे। और इसी तरह दूसरे पैनल को भी हम सिलाई करेंगे झोले के दूसरे हिस्से पर। तो ये एक तरफ का हमारा पैनल जुड़ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी तरह ये पैनल जुड़ता है। अब चलिए हम दूसरे तरफ का पैनल इसी तरह जोड़ लेंगे, सेम टू सेम उसी तरह। तो हमने दोनों तरफ का साइड पैनल जोड़ लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जुड़ चुका है। अगर ऐसा रखना चाहते हैं आप, सिलाई ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर भी रख सकते हैं, अगर नहीं तो उसको उल्टा करके आप कर भी सकते हैं। अब ऊपर का किनारा हम ऐसे मोड़ेंगे, डबल फोल्ड करेंगे इसको, ताकि हमारा जो बोरी का रेशा है वो बाहर ना निकले, अंदर दब जाए। तो इस पर हम डबल फोल्ड करके इस पर हम डबल सिलाई चलाएंगे, इससे देखते हैं चौड़ी पट्टी बन जाएगी। तो इस पर हम डबल सिलाई चला देंगे, हैंडल को साथ में रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि किनारा हमने सिलाई कर दिया है, झोला बहुत मजबूत हो चुका है। चलिए इसको हम उल्टा कर देते हैं, सिलाई को अंदर कर देते हैं। ये झोला देख सकते हैं कि कितना मजबूत हुआ है,
ये झोला बहुत ही बड़ा हुआ है और ये हमने हैंडल लगाया है पूरे नीचे से ऊपर तक, क्योंकि कितना भी आप वजन रख लें लेकिन ये झोला फटने वाला नहीं है। तो ऐसा झोला आप सीख सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।